हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास फॉर पोयम नंबर 1.3 द पिलग्रिम। स्टूडेंट्स, दिस पोयम द पिलग्रिम इज रिटन बाय एन एनोनिमस पर्सन। एनोनिमस दैट मीन्स व्हेन द पोएट आइडेंटिटी इज अननोन। हमें पता नहीं होता है कि उसके पोएट कौन थे, तो उसे क्या कहते हैं? एनोनिमस। बट इट हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम अनदर पोयम द ब्रिज बिल्डर। ब्रिज बिल्डर जो एक पोयम थी, उससे क्या किया गया है, इस पोयम को अडॉप्ट किया गया है। So we are known about this thing. So as the word pilgrim, first हमारा poem का जो है वो poem की heading ही क्या है, pilgrim. So we will see the meaning of pilgrim. Who is pilgrim? Pilgrim is a person who travel for religious reason. जो religious purpose के लिए travelling करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? Pilgrim. So here this poem is also about a person who was a pilgrim. So we will see what is this poem is conveying to us. क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज हमको इस पोयम से मिलता है, वी विल सी दिस इन दिस पोयम। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा स्टूडेंट्स। अ पिलग्रिम गोइंग अलोन हाईवे कम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे टू अ चैज्म डीप एंड वास्ट एंड वाइड द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन अ ट्विलाइट डिम द चैज्म हेल्ड नो फियर फॉर हिम बट ही पॉज्ड व्हेन ही रीच द अदर साइड and built a bridge to span the tide. See students, here first two lines, a pilgrim going alone highway. आपने old time में देखा होगा, mostly जब लोग pilgrimage के लिए निकलते थे, so they were just travelling on foot. अपने जो है वो by walk जो है वो क्या करते थे, distance cover करते थे. So here also this poem is about a person who is a pilgrim and he was an old age person who was just set out for pilgrim, jo pilgrim ke liye nikla hai, and he was all alone and he was traveling on a foot. So he was going alone from a highway. ek highway se kya kar raha hai wo pilgrim jo hai wo old man jo kya kar rahe hain, travel karte hue ja rahe hain on a foot. Came at evening cold and grey. ab yahan par thoda sa aapko climate ke bare mein bataya hai that it was a evening time and the climate was very cold and here you are specified that cold and grey. grey that means hum aisa keh sakte hain ki grey kis cheez ko indicate kar raha hai, day time ka jo day ka jo ek span timing hota hai usko bata raha hai ki that sun is, aapko kya bataya, evening time hai, that means sun already set hai na, sun jo hai wo already set ho chuka hai and because of that there is a darkness everywhere on the way. सो जो वो डार्कनेस होती है सन सेट होने और मून के राइज होने के बीच का थोड़ा सा एक्सपेन होता है, उस टाइम में कैसा होता है, जो हमको जो एनवायरनमेंट दिखता है वो कैसा ग्रेश टाइप का जो है वो दिखता है डे टाइम जो थोड़ा सा, तो इसीलिए उस चीज़ को यानी कि डार्कनेस को इंडिकेट करने के लिए कि अब लाइट जो है वो क्या हो गई है, इट इज़ ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है वो लाइट क्या होगी, ब्राइटनेस जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब कैसा हो रहा है, रात जो रात का टाइम यानी इवनिंग एंड होने आई है और रात का टाइम शुरू होने वाला है और इसीलिए कैसा हो गया, पूरा जो एनवायरनमेंट है सराउंडिंग जो है वो ग्रेश हो गई यानी डार्क हो गया है. टू अ चैज्म डीप एंड वास्ट एंड वाइड. वट इज़ चैज्म स्टूडेंट्स? चैज्म मीन्स एनी गैप ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ की सरफेस पर जो कोई गैप होता है उसे क्या कहते हैं, चैज्म. मोस्ट ऑफ द टाइम ये चैज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर फिल्ड बाय वाटर. जैसे आपने देखा होगा कि ऑन द वे टू द विलेजेस एंड सम प्लेसेस अगर हम क्रॉस करते हैं और कहीं ऐसा बीच में जो है वो बहुत बड़ा सा ऐसा गैप आ जाता है, तो मोस्टली वाटर रिवर वगैरह जो क्या होता है उसमें से फ्लो होकर बहता रहता है. सो लाइकवाइज ही वॉज ऑल्सो रीच्ड अ चैज्म जो कैसा था, इट वॉज अ वेरी डीप, बहुत गहरा था, वास्ट बहुत बड़ा था एंड इट वॉज वेरी वाइड. वाइड मीन्स ब्रॉड. द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्वाइलाइट डिम. और ओल्ड मैन ने क्या किया, उसे ट्वाइलाइट डिम में क्रॉस किया. ट्वाइलाइट मीन्स when sun is at the horizon, that means sun is setting and there is a very less light, so it is known as twilight. So he was an old man and he crossed that chasm in the twilight dim. So here poet want to say us, yeah, humko jo hai wo convey karna chahte hain that he, as he was an old man, so he was an experienced traveler, so he know the depth of that chasm, so he fearlessly crossed that chasm because the chasm held no fear for him. उनके लिए जो है मतलब ये सारी चीज़ें कुछ नई नहीं थी, उन्होंने ऐसे बहुत सारे जो है वो ट्रैवलिंग्स किए हैं एंड ही वॉज नोन अबाउट इट दैट हाउ डीप इट विल बी, उनको उसके बारे में एक अंदाज़ा था. सो ही इट वॉज नॉट हैविंग एनी फियर फॉर हिम, तो उन्होंने क्या किया, फियरलेसली उस चैज्म को क्रॉस कर लिया.
बट ही पॉज्ड, लेकिन क्या हो गया जब वो दूसरी साइड पहुँचे, वेन ही रीच द अदर साइड ही जस्ट पॉज्ड, वेन ही रीच द अदर साइड, जब वो दूसरी साइड पहुँचे तो वो क्या हो गया, रुक गए. ही जस्ट रीच द अदर साइड एंड ही पॉज्ड, ही वेटेड फॉर अ मोमेंट एंड ही थॉट अबाउट समथिंग, उनके दिमाग में कुछ आया और वो क्या हो गए, रुक कर वहाँ पर वो सोचने लगे. एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड, और उन्होंने क्या किया, एंड ही स्टार्टेड बिल्डिंग द ब्रिज, उन्होंने ब्रिज जो है वो बनाना स्टार्ट किया. स्पैन करना दैट मीन्स क्रॉस ओवर, ताकि लोग क्या करें, अगर इनके बाद कोई ट्रैवलर आए तो वो क्या कर सके, उसे जो है वो इजीली क्रॉस ओवर कर सके, उसे जो है वो पास कर सके. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो है वो ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया. ओके, सी हियर मीनिंग्स आर ऑल्सो गिवन टू यू ऑल सो यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेनिंग यू द मीनिंग इन बिटवीन ओनली. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टैंजा. ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर. अब क्या हो रहा है, ऑन द सेम वे वन मोर पिलग्रिम वॉज पासिंग टू द सेम वे, और वो जो है वो ओल्ड मैन से मिले, वो जो ओल्ड पिलग्रिम थे उनसे जो है वो एक और पर्सन जो है पास होते हुए वो उनसे मिले. सो ही वॉज जस्ट सीइंग दैट, उन्होंने देखा कि ही ऑलरेडी क्रॉस द चेजम, उन्होंने ऑलरेडी चेजम क्रॉस कर दिया, दैट मीन्स ही मे कंटिन्यू हिज ट्रैवलिंग. अब वो आगे अपनी जो है अपना जो सफ़र है वो क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं. सो वो जो पर्सन था, जो उनका फेलो पर्सन या नेक्स्ट पिलग्रिम जो पर्सन था, जब उसने ये देखा कि वो वहीं पर रुक कर वो उस पर ब्रिज बनाना शुरू कर दिया है, सो ही वॉज आस्किंग हिम वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर, कि आप अपना टाइम जो है यहाँ पर ये बिल्ड करने में, यानी कि ये ब्रिज बनाने में क्यों वेस्ट कर रहे हो, दैट यू ऑलरेडी क्रॉस द चेजम नो, सो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन बिल्डिंग द ब्रिज, इट इज़ लुकिंग वेरी ऑड ना, कि आप ऑलरेडी पास हो चुके हो, उसको आपने फियरलेसली क्रॉस कर लिया है और अब आपका वे जो आगे कंटिन्यू आप इजीली कर सकते हो, तो वहीं पर रुक कर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, क्यों वहाँ पर बैठ कर जो है आप वापस से जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्रिज बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है उसमें, आप तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो वो चेजम. योर जर्नी एंड विद द क्लोज ऑफ द डे, और अब आपका क्या हो रहा है, जर्नी जो है वो ख़त्म होने आया है. हियर एक तो ये हो सकता है मीनिंग के अगर आपने अपना जर्नी कंटिन्यू रखा तो दिन बिल्कुल ख़त्म होने तक, यानी रात होने तक क्या हो जाएंगे, आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक रीच हो सकते हैं, जल्दी पहुँच सकते हैं आपके डेस्टिनेशन पर, तो आप यहाँ पर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं. मे पॉसिबल सेकेंड मीनिंग ये हो सकता है कि एज ही इज़ अ ओल्ड पर्सन, ही इज़ वेरी वेरी ओल्ड एंड ही मे नॉट लिव टू पास दिस वे अगेन, यानी अब तो इतनी ओल्ड एज हो चुकी है उनकी, तो अब वापस इनका इस रास्ते से गुजरना पता नहीं होगा या नहीं होगा, या वो शायद नहीं गुजरे अभी इस रास्ते से बाद में वापस, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करना, वाई वेस्टिंग योर टाइम, दैट पर्सन वॉज आस्किंग टू हिम, यू हैव क्रॉस द चेजम डीप एंड वाइड, वाई बिल्ड ही हियर एट इवन टाइड, कि आपने ऑलरेडी क्या कर दिया, वो चेजम को क्रॉस कर दिया जो बहुत डीप और बहुत वाइड था. इवन यू आर वेरी फियरलेस वेन यू आर पासिंग दैट चेजम, अब आपको जो है कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए जब ऑलरेडी आप पास कर चुके हो, तो अब आप यहाँ पर वाई बिल्ड ही इज़ एन ओल्ड वे ऑफ सेइंग यू, ही मीन्स यू. इवन टाइड मीन्स इवनिंग का जो टाइम होता है, वैन यहाँ पर जो है इवनिंग का टाइम जो होता है उसको इंडिकेट करने के लिए है, एज इट वॉज वेरी लेस लाइट, तो अब इतना जब अंधेरा होने लग गया है तो आप अपना टाइम क्या कर रहे हो, इसे बनाने में क्यों वेस्ट कर रहे हो, ऐसा क्या किया, उसने जो है वो क्वेश्चन रेज किया. किसने क्वेश्चन किया, द नेक्स्ट पर्सन हु वॉज पासिंग थ्रू दैट वे, उसने जो है उनसे ये क्वेश्चन किया. सो ओल्ड मैन ने उनको क्या रिप्लाई दिया, दैट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, इन अवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.